हेलो, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। तो माइनक्राफ्ट वंडर 20 ट्रेल्स एंड टेल्स रिलीज हो चुका है। आओ जानते हैं न्यू फीचर्स के बारे में। आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग स्क्रीन पे माइनक्राफ्ट के लोगों का रिजोल्यूशन बढ़ा दिया है। टोटल 16 टेम्पलेट्स, मीटिंग टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, तो इसका यूज होने वाला है आपके आर्मर्स में। ये रहा, तो आर्मर्स में आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो स्मिटिंग टेम्पलेट्स का यूज़ करते हुए। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ नेदर आयरन में लगेगा, ये आपके डायमंड, गोल्ड, आयरन आयरन में भी आप ये डिजाइन कर सकते हो। तो आओ मैं एक करके दिखाता हूँ। ये लगाएंगे हम अपने स्मिटिंग टेम्पलेट्स, जिसमें आपको जिस कलर करना है वो तो मैं मिक्सर का यूज़ करूँगा, इधर रखूँगा। और ये रहा अपना हेलमेट, सेकेंड है अपना चेस्ट, ये है अपना आयरन का लेगीज, और लास्ट है अपना बूट। ये हो गया, अब इसको हम पहन लेते हैं। लेट्स गो। आप देख सकते हो, देख रहे हो, लग रहा है किसी भी एंगल से आयरन का आर्मर, मतलब क्या लग रहा है देख रहे हो। चेरी ग्रुप बायोम माउंटेन की हिल पे आपको ये मिल जाएगा। और देखा जाए कैसा है बायो, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फूल नीचे लगे हुए हैं, और ये चेरी ट्रीज है, चेरी ट्रीज से कुछ निकल रहा है पार्टिकल टाइप्स, मतलब चेरी ब्लॉजम जैसा पूरा फील है, मतलब वही है चेरी ब्लॉजम ही एक तरीके से। नहीं, अभी मैं फूल को तोड़ रहा हूँ, क्या मिलता अपने को, पिंक पैलेट्स अच्छा, मतलब डेकोरेशन के लिए काम आएगा बस, और कुछ अच्छा लग रहा है। चेरी ट्री से आप ये ढेर सारा सामान बना सकते हो, जैसे हम नॉर्मल ट्री से बनाते हैं वही सब सामान हम इसमें इस ट्री से भी बना सकते हैं। देख सकते हो ट्री सैपलिंग है चेरी का, पिंक बॉट, पिंक डोर, पिंक फेंस, मतलब आप पूरा घर बना सकते हो पिंक। और ये किसको काम आएगा आपको पता ही होगा, लड़कियों को ही। तो जिसके भी वर्ल्ड में लड़कियां है तो उनका वर्ल्ड का पूरा काया पलट होने वाला है, हर जगह पिंक पिंक दिखने वाला है, जैसे कि पिंक है आपका पूरा वर्ल्ड पिंक है। अच्छा है, हमारे वर्ल्ड में कोई लड़की नहीं है। तो आप लोग हैंगिंग साइंस को तीन तरीके से लगा सकते हो, एक है अपना ये दो डंडी वाला, फिर इधर आएगा देख सकते हो ये राउंड शेप में आ गया, और एक अपने साइड में देख लो ये एक पर से एक डंडी आ गई। तो नेक्स्ट है अपना साइन बोर्ड, तो जैसे पहले हम लिखते थे अभी इसमें लिख देता स्पार्क, ठीक है मैंने लिख दिया। तो क्या पहले क्या होता था, अपने को ऐसा तोड़ना पड़ता था ताकि हम वापस लिख पाए। तो इस अपडेट में अपने को जैसे कि मैंने फिर से लिख दिया स्पार्क, अगर आपको फिर से लिखना है तो आके बस फिर से राइट क्लिक करो, फिर से जैसे लिख दो हो गया, तो आपको बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं। और हम पीछे से भी लिख सकते हो पीछे के साइड से भी लिख सकते हो, अगर आपको पुराना वाला ही चाहिए, मतलब आपने लिखा इस पर और आपको ये चाहिए कि कोई तोड़ ना पाए, मतलब ऐसा कुछ एडिट वगैरह करना पाए, तो आपको बस हनीकॉम लेना है, तो लगा देना है। आप देख सकते हो कुछ एडिट नहीं कर सकता मैं, ठीक है पीछे कुछ नहीं लिख सकता, बस हनीकॉम चिपका देना आपको। एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है वो है ट्रेन रूइन स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा पूरा, मैं इसको खोद देता हूँ। अभी खोदना है आपको और इधर आपको ढूंढना है सस्पिशियस ग्रेवल, तो गाइस मैं पूरा नीचे खोद रहा था लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि ये देख रहे हो ग्रेवल इधर ही है, तो इसको आपको निकालने के लिए ना आपको पहले लगेगा ब्रश। तो ब्रश कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, तो क्या करना है आपको लेना है कॉपर, लेना है स्टिक और ऊपर लेना है एक फेदर, बस आपका ब्रश तैयार। इस ब्रश से आपको बस इसको ये देख रहे कुछ तो निकल रहा है, देख रहे साफ सफाई करनी, क्या मिला येलो स्टेन लेस प्लेन जी, और निकलेगा कुछ इस पर तो नहीं निकलेगा कुछ। एक और न्यू आइटम है ये देख सकते हो आप, 20 डिफरेंट
पॉटरी शेड से इससे आप डेकोरेटिव पॉट्स बना सकते हो। अच्छा, इससे आप डेकोरेटिव पॉट्स बना सकते हो। तो आपको इधर एक रखना है, एक इधर रखना है, इससे आपका बन जाएगा डेकोरेटिव पॉट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चित्र आ गए। देखो ये कौन है भाई? ये तो कुछ तलवार लग रही मेरे को, ये बाने भविष्य बाण। इस तरीके से आप बना सकते हो। कैमल आपको डिजर्ट्स में मिल जाएंगे, इनको आप ये कैक्टस खिला सकते हो। कैक्टस ही बोलते हैं ना इसको। यस, इसका यूज फाइनली देख रहे हो। अभी इनको ब्रीड करा सकते हो कैक्टस खिला के। धीरे धीरे स्लो मोशन में कितना मासूम सा लगता है ना ये। इसकी सवारी करते हैं। ये उठ जा, ये चलो। तो ये है अपना नॉर्मल मोड वॉकिंग। अब ये भागेगा, यस। और आप इससे जंप भी करा सकते हो। ये यहाँ से सीधा इधर लैग हुआ, रुक जा, फिर से करेंगे। ये ले, देख सकते हो। तो इसका एक और फायदा है, आप जब उन पे बैठे होंगे तो आपको जॉम्बी लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। हाँ नहीं, टच कर, टच कर, कर टच। ये देख रहे हो, कुछ नहीं हो सकता, कोई टच नहीं कर सकता। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है चीज़ है। तो इनको एक टपली दो और वापस आ जाओ। रुको, अभी ट्राई करते। एक टपली दो और वापस वापस बैठ जाओ। अभी कुछ तो हुआ, मेरे को धुआं निकल रहा है। भाग करो, करो टच, करे ना, करो और करो टच। स्निपर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ये मेरे को कुछ एंशिएंट सीड्स वगैरह देते रहते। तो कुछ तो दे रहा है, कुछ तो दे रहा है। क्या दिया? पिचर पॉड, पिचर पॉड दिया, पिचर पॉड। इनका कुछ कूल डाउन है, 8 मिनट का कुछ कूल डाउन रहता है इनका। ढूंढ रहे, ढूंढ रहे, कैसे ढूंढ रहे, ढूंढते रहो। क्या देखा? मिला मिला, टॉर्च फ्लावर सीड्स मिले। टॉर्च फ्लावर सीड्स, टॉर्च सीड से स्निपर्स का ब्रीड कर सकते हो। देख रहा, इनको ही नहीं बल्कि आप किधर गए? मुर्गी इधर ही तो मुर्गी, और मुर्गी को भी दे सकते हो। मुर्गी, पैरट, टॉर्च से देखो आ गया। ये ले खा ले, कोई एक मुर्गी नहीं, नहीं तो एक देखो लग रही। हो चुके, अंडा मिला, स्निपर एक मिला। तो हमें दो फ्लावर्स, एक है टॉर्च फ्लावर और एक है पिचर प्लांट। तो ये हमें स्नाइपर स्निपर से मिल जाते हैं। तो अच्छा, ये दोनों बटो हमें। तो देखो पिचर प्लांट से हमें वो सैंड डाय मिलता है, और इससे हमें मिलेगा ऑरेंज डाय। एक और अच्छा फीचर ये सब देखा, आप रिकलर कर सकते हो। जिसकी रेड बुल का सीधा आप येल्लो कर सकते हो, कारपेट का भी कलर चेंज कर सकते हो, और बेड ब्लू से येल्लो। ये वाला तो आपको पता ही होगा। आपको नोटबुक लेना है, इस पर फिक्स करना है, और इसके ऊपर अपने हेड रखने पिकनिक के लिए। तो ये साउंड निकलता है, देखो इसी तरह देख सकते हो। इधर जॉम्बी का ऊपर स्केलेटन और वेदर स्केलेटन। सीशेल बुक शेल्फ, इसके अंदर हम बुक स्टोर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इधर। प्लस अगर आप इधर ऑपर लगाएंगे और चेस्ट के अंदर भी बुक डालोगे, देख लो नीचे जा रहा है, और उल्टा अगर ऊपर आप बुक लगाओगे इधर, वो नीचे आएगा चेस्ट में। तो आप लोगों के बाम्बू का भी पता ही होगा, कब से चल रहा है उनका अपडेट में लाएंगे ऐसा। तो ये बाम्बू का ब्लॉक, स्ट्रीप,
मोशेक, बम्बू, बाकी सब फेंस वगैरह सब बना सकते हैं। इसमें मेरे को जो अच्छा लगता है वो ये हमारी राफ्ट, तेरे एक तरफ हमारे नॉर्मल बोट और ये हमारी राफ्ट वाली बोट, मेरे को मस्त लगता है बोट। जैसे हम नेदर पोर्टल में जाते थे तो अपने को ऐसा चक्र जैसा एनिमेशन आता था, लेकिन 1.20 में वो एनिमेशन निकल गया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।